बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, आई एम योर कोर्स इंस्ट्रक्टर। वेलकम टू द डाइट प्लान लेवल 2। और इसमें हम जो आज का लेक्चर था उसका हम सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे, पार्ट 2। हमने जो डाइट प्लान था उसकी 3 पार्ट्स पहले पढ़े थे और ये है फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप में हम क्या करेंगे, फाइंड द एफिकेसी। यानी हमने जो पहले स्टेप पढ़े थे जिसमें हमने कार्बोहाइड्रेट के ग्राम्स जो निकाले रहे थे, प्रोटीन के ग्राम्स और फैट के जो ग्राम्स एंड पे हमारे पास आए थे, हमने उनको यूज़ करके इफ़िकेसी फाइंड आउट करनी है कि ये डाइट प्लान कितना इफ़िकेट है। इसकी इफ़िकेसी के लिए ज़रूरी है कि ये हमारे पास ये जो डाइट प्लान हमने बनाया है ये 98 से 100% तक इफ़िकेट, मतलब मीन्स कि 98, 99 और 100% इफ़िकेट हो, तब हमारा ये डाइट प्लान जो कि है इसके आउटकम्स आउटस्टैंडिंग होंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमने जब कार्बोहाइड्रेट के ग्राम्स निकाले थे, आपको मैं दिखा भी देती हूँ कार्बोहाइड्रेट के जो ग्राम्स थे यहाँ पे, वो हमारे पास देखें 240, प्रोटीन के 97 और जो फैट है उसके 33 ग्राम्स आए हैं। ठीक, तो अब हम जब आ जाते हैं यहाँ पे इफ़िकेसी के लिए, तो ये हमारे पास 240 ग्राम्स है, इसको हमने कैलोरीज में कन्वर्ट करने के लिए 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है, वही कि 1 ग्राम में हमारे पास 4 कैलोरीज होती हैं, तो ये हमारे पास 960 कैलोरीज आ गई। अब हमने क्या करना है कि 960 कैलोरीज और टोटल जो कैलोरीज के लिए हमने बनाना था वो थी 1665, उस पर डिवाइड कर देनी है, मल्टीप्लाई कर देना है 100 के साथ, तो हमारे पास 58% आ गया। ठीक, जिसके बाद हमने प्रोटीन का, हमारे पास 97 ग्राम्स थे वो हमने मल्टीप्लाई कर देना है 4 के साथ, क्योंकि 1 ग्राम हमें 4 कैलोरीज फाइंड देता है, तो इसके साथ हमारे पास ये कैलोरीज आ गई। इन कैलोरीज को हमने क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है टोटल कैलोरीज पर, जो टोटल कैलोरीज जिसके लिए हमने डाइट प्लान बनाना था 1665। ठीक, और मल्टीप्लाई कर देना है 100 के पास के साथ, तो ये हमारे पास आ गया 23%। सही, इसके बाद हमने फैट का फाइंड आउट करना है, फैट में 33 ग्राम्स में हमारे पास 1 ग्राम जो होता है 9 कैलोरीज देता है, इसके साथ हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये टोटल कैलोरीज जो कि है हमारे पास 297 आ जाएंगी। सही, अब इन 297 को हमने टोटल कैलोरी पर डिवाइड करके और मल्टीप्लाई करके 100 के साथ हमारे पास 18% आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, 58 को 23 के साथ प्लस कर दें, 18 को इनके साथ प्लस कर दें, इन सब को जब हम प्लस कर देते हैं तो हमारे पास 99% आ जाते हैं। इसका मतलब ये है कि हमने जो डाइट प्लान बनाया है अभी तक जिसकी कैलोरीज ग्राम्स वगैरह आए हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के, वो क्या है, 99% एफिकेट है, मींस के आउटस्टैंडिंग है। सही, तो अब हम आ जाते हैं स्टेप 5 की तरफ। अब हम ईटिंग प्लान पैटर्न बनाएंगे, यानी मेन्यू प्लान करेंगे पेशेंट के लिए। इसमें हमारे पास ये जो कि है प्री ब्रेकफास्ट है, यहाँ भी हमने टाइमिंग देनी है, आप पेशेंट से पूछ सकते हैं कि वो किस किस टाइम पे ये ले सकता है, या आप बता सकते हैं कि यानी हमें सुबह जल्दी खाना स्टार्ट करना चाहिए, रात को हमने जल्दी से खाना जो कि है यानी अर्ली टाइमिंग शाम के बाद अर्ली टाइमिंग में लेना चाहिए, ताकि हमारी जो यानी ये हमारे लिए हेल्दी पैटर्न होता है। तो हम यहाँ पे दे देते हैं टाइमिंग, ब्रेकफास्ट है उसमें हमने टाइम दिया हुआ है 5 to 6 AM। उसमें हमने उनको फूड आइटम क्या दिया है, एप्पल, 1 स्मॉल एप्पल, जो कि हमारे पास 1 सर्विंग ऑफ कार्बोहाइड्रेट के की 1 सर्विंग ऑफ फ्रूट के इक्वल है। तो हमने फ्रूट में पिछले जो लेक्चर है आप उसको भी इसके साथ देखते जाएं कि उसमें हमने देखा था ना कि एक फ्रूट में हमारे पास 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होते हैं, प्रोटीन और फैट उसमें 0 होता है और कैलोरीज कितनी होती हैं 60। ठीक, उसके बाद हम आ जाते हैं ब्रेकफास्ट की तरफ। ब्रेकफास्ट में ये हमने इनके लिए जो टाइम है 7 to 8 AM, और फूड आइटम में हमने क्या दिया है, हमने वहाँ पे प्लान बनाया था ना कि उसमें हम एक प्रोटीन का एक्सचेंज देंगे, एक मिल्क से देंगे और 2 ब्रेड एंड सीरियल से देंगे, तो वही चीज़ें हमने यहाँ पे पुट कर दी हैं। ठीक, और इसमें हमने एक हाफ जो कि था हमने फैट से भी दिया हुआ था, तो हाफ टेबल स्पून जो कि है ऑलिव ऑयल का हमने एग में उसमें इसको फ्राई करना है। सही, तो उसमें हम देख लेते हैं 1 एग यानी वो प्रोटीन का एक एक्सचेंज होता है, तो यहाँ पे क्या है, 1 एग जो कि है
प्रोटीन का एक्सचेंज होता है, तो यहाँ पे क्या है कि उसमें 7 ग्राम प्रोटीन, 2 ग्राम फैट और ये टोटल कैलोरीज है। सही, इसी तरह ये देख लें, ये है ब्रेड, ये सीरियल का था। एक सीरियल में, एक एक्सचेंज में 15 कार्बोहाइड्रेट होते हैं ना, तो हम तो 2 दे रहे हैं, 2 ब्राउन ब्रेड्स दे रहे हैं, तो क्या करेंगे, 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो उसमें दो सर्विंग में या दो एक्सचेंजेस जो की होती हैं उसमें 15 15 प्लस 15, तो उसमें हमारे पास 30 कार्बोहाइड्रेट होते हैं। प्रोटीन 3 था तो हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई, क्योंकि हमने 2 सर्विंग्स दी हैं, तो ये 6 आ जाएगा। फैट 0 था तो, और 80 कैलोरीज थे, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करके 160 कैलोरीज। ठीक है, आपने जो जो फूड देना है उसके साथ उसकी कैलोरीज यहाँ पे लिख लेनी है। सही, तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपको एक्सचेंज लिस्ट की समझ आए, बहुत अच्छी तरह से आए, और जो आपने पहले जो प्लान सेलेक्ट किया था एक्सचेंजेस का और उसको पुट किया था प्री ब्रेकफास्ट, अगर वहाँ पे आपने बहुत सही तरीके से उसकी एडजस्टमेंट कर दी, तो आपके साथ ये जो मेन्यू प्लानिंग है, जो मील प्लान, जो पैटर्न है, ये बहुत ज़बरदस्त आ जाएगा। सही है, ये आपके लिए फिर इजी हो जाएगा। यहाँ पे हमने लंच में 1 चपाती, 1 कप कद्दू गोश्त, यानी इसमें देखिए हमारे पास एक कद्दू गोश्त है 1 कप, यानी 2, जो कि है हमारे पास सर्विंग्स ऑफ, देखिए ये हमारे पास किस चीज़ का हो गया है, वेजिटेबल्स की 2 सर्विंग्स है। एक वेजिटेबल में हमारे पास, एक सर्विंग में 5 कार्बोहाइड्रेट होते हैं, तो 2 के साथ हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 आ जाएगा। 2 इसमें प्रोटीन होता है, तो हमने 2 सर्विंग दिए हैं तो 4 होगा, तो यहाँ पे इसमें 25 कैलोरीज होती हैं, हमने 2 दी हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 50। सही, देखिए उसमें हमने 1 oz लीन मीट यूज़ किया है, और मैंने आपको बताया था लीन मीट का एक्सचेंज लिस्ट जो था उसमें हमारे पास जितनी कैलोरीज थी 45 कैलोरीज थी, और ये जो तमाम जो रेशो थी उसके, उसी हिसाब से आपने ये सब कुछ 1 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल यानी फैट का दिया है। फैट में हमारे पास सिर्फ 5 जो कि है फैट होता है और 45 कैलोरीज होता है। ये हमारे पास ऊपर वाला जो कि है ये प्रोटीन का है, ठीक है, 7 और 2 और 45। सही, इसी तरह आपने इन तमाम जो इवनिंग स्नैक है, डिनर है, यहाँ पे उनको यही सर्विंग साइजेस जो कि हैं 1 चपाती, 2 to 3 oz चिकन और फिश, ये ग्रिल्ड करना है 1/2 टेबल, यानी इस तरह 1.5 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल उसमें चला जाएगा। उन तमाम की जो कैलोरीज है इस साइड पे आपने लिख लेनी है। सही, प्री बेड मतलब हमने वहाँ पे नहीं लिखा था, क्योंकि उसको हम ऐसी कैलोरी की कोई चीज़ ही नहीं दे रहे, हम उनको क्या कर रहे हैं, 1 कप ग्रीन टी विदाउट शुगर और जिंजर प्लस दालचीनी उसमें ऐड करनी है, क्योंकि इनमें कोई कैलोरीज नहीं होती, क्योंकि चीनी हमने ऐड नहीं की, तो ये 0 है ये कैलोरीज। सही, और ये ब्लड प्रेशर के लिए, हार्ट पेशेंट के लिए और वेट लॉस के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक, यहाँ पे हमारे पास कार्बोहाइड्रेट की जो तमाम ग्राम्स हैं ये आ गए, इनको सबको प्लस करके आपके पास आ गए, ये प्रोटीन के ग्राम्स आ गए सबको प्लस करके, ये फैट के ग्राम्स आ गए सबको प्लस करके, और ये कैलोरीज जो हैं उनके तमाम कैलोरीज आ गई सबको प्लस करके। सही, अब आपके पास ये क्वेश्चन है जिसका आपने आंसर करना है, विच फूड इज़ गिवन इन प्री ब्रेकफास्ट। आप देख लें यहाँ पे हमने कौन सा फूड दिया हुआ है प्री ब्रेकफास्ट में। सही, तो इसके बाद हम आ जाते हैं 6 स्टेप की तरफ, जो कि है रिकमेंडेशन। एंड में आपने एक डाइट प्लान दे दिया है एक पेशेंट को, तो आपने साथ में रिकमेंडेशंस भी देनी है, जो कि ये है कि डू नॉट साल्ट फूड एट द टेबल, यानी जब टेबल पर फूड खाएं तो आपने साल्ट को नहीं रखना। बाज़ लोग छिड़क छिड़क कर खाते हैं सालन, उस पर यानी नमक है सबसे ज़्यादा, जो सोडियम है वो हमारे पास नमक से ही हमें मिलता है, और हमने कहा था कि हमने 1500 to 2400 mg से ज़्यादा उनको नहीं देना, तो सबसे ज़्यादा सोडियम, तो सोडियम यानी जो नमक है उसको हमने बहुत ही थोड़ी अमाउंट में जब कुकिंग करे तब ऐड करना है, बाकी हमने सोडियम ना ही उनके चपातियों में ऐड करना है, यानी जब हम आटा गूंथते हैं तो उस दौरान हम उनको रिकमेंड करेंगे कि वो उसमें सोडियम ऐड ना करें, सिर्फ जो खाना है उस दौरान थोड़ा सा ऐड कर दें, क्योंकि उनकी रिकमेंडेशन यही है। ठीक, और दूसरा हमने फूड लिस्ट देखनी है कि जो जो फूड जिनमें 300 से ज़्यादा है वो हमने नहीं देने, फ्रूट्स वेजिटेबल्स ये सब कुछ देना है, मगर जिनमें ज़्यादा है वो अवॉइड करने हैं। ठीक, इसके बाद हमने ये स्किम मिल्क यूज़ किया था, क्योंकि हमने ये पहले भी पढ़ा था
कि इसके मिल्क जो कि है, अगर हम उससे फैट को हटा दें तो उसकी न्यूट्रिएंट में कोई डिफिशेंसी नहीं आती, बल्कि उसकी कैलोरीज कम हो जाती हैं और बाकी वो हेल्दी ही रहता है। तो योगर्ट और मिल्क अगर हम देंगे तो वो लो फैट होगा। ठीक, मीट हमने देना है, मीट की सिलेक्शन भी हमने लीन मीट की करनी है। और इसके बाद फैट्स ऑयल जो कि हैं, हमने अनसेचुरेटेड फैट सोर्सेज से देना है, जैसे कि हमने ऑलिव ऑयल दिया था, फिश दिया। ठीक है, अवॉइड रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, केक, पेस्ट्री वगैरह और ऐसे सोर्सेज उनको अवॉइड करना है। चूज़ केयरफुली व्हेन यू ईट अवे फ्रॉम होम, जब आप घर से बाहर हों और अपनी डाइट प्लान को फॉलो ना कर सके तो आपने जो फूड खाना है उसकी लेबलिंग जो कि होती है उसको आपने स्टडी करना है, देखना है कि इसमें क्या क्या है जो कि मुझे अवॉइड करने हैं। और दूसरा, अगर आप किसी होटल में खा रहे हैं तो वहाँ के आपने उनके जो स्टाफ होता है उनसे पूछना है कि इसमें क्या क्या ऐड हुआ है, और मुझे ऐसे फूड चाहिए जिनमें सोडियम कम हो, फैट कम हो और रिफाइंड ना हो, कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज से ना हो। ये तमाम जो आपकी रिकमेंडेशन है वो आपने उनको बतानी है। सही, और फिर क्या करना है, अवॉइड टोबैको एंड कोल कंजम्पशन, ये अवॉइड करनी है क्योंकि हमने सीवीडी में पढ़ा था कि ये चीज़ें रिस्क को इंक्रीज कर देती हैं। ईट प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, हमने ये भी पढ़ा था कि फ्रूट और वेजिटेबल्स की वजह उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फाइबर होता है, इनमें हेल्दी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि ज़रूरी होती हैं उनके लिए। आखिर में डू रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है क्योंकि हमने पढ़ा था कि वो मॉडिफाइबल जो रिस्क हैं उनमें फिजिकल एक्टिविटी भी थे। अगर वो इनएक्टिव है तो हम उनको एक्टिविटी की रिकमेंडेशंस देंगे कि 30 to 60 मिनट वो पर डे ज़रूर एक्टिविटी करें। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द डाइट प्लानिंग, मेन्यू प्लानिंग और एक थेरेपी, न्यूट्रिशन थेरेपी, किस तरह हम एक हाइपरटेंसिव पेशेंट की न्यूट्रिशन थेरेपी करेंगे। सही, एट द एंड ये एक मोटिवेशनल कोट है जो हमारा आजकल हमें बहुत ज़्यादा इन चीज़ों की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम मोटिवेट नहीं होंगे तो हम अपनी जो तमाम 100% लेवल का काम जो कि है वो नहीं कर सकेंगे। पुश योर सेल्फ बिकॉज नो वन एल्स इज़ गोइंग टू डू इट फॉर यू। आपने खुद अपने लिए काम करना है, खुद अपने लिए रास्ते बनाने हैं, खुद मेहनत करनी है, क्योंकि कोई और नहीं आने वाला आपको आपका जो गोल है उसे अचीव कराने के लिए। सो खुद पुश योर सेल्फ बिकॉज नो वन एल्स इज़ गोइंग टू डू इट फॉर यू। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर द लिसनिंग। एट द एंड एनी क्वेश्चन यू विल आस्क एनी टाइम। थैंक यू सो मच।